नमस्कार है, न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सुशासन दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हो रहे हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस दिन का खास महत्व है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय को भी याद किया गया। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, इस दिन का महत्व तो बहुत वर्षों से, और मैं सदियों से भी कह सकता हूं, किसी न किसी रूप में इस दिवस को लोग याद करते हैं। लेकिन पिछले 9 वर्ष से, अभी ये 10वां वर्ष भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि सबसे पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 के दिन ये मनाया था। इस दिन का महत्व जैसे क्रिसमस दिवस इस नाते से तो बहुत सदियों से, जैसे मैंने बताया, चलता आ रहा है। इसी दिन अपने देश के बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय, उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है, हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं। एक किस्सा ऐसा कहते हैं कि सामाजिक कामों में बहुत तत्पर रहते थे, समाज के जितने धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे उनसे समाज सेवार्थ कुछ साधन धन इकट्ठा करना, तो इसमें वो माहिर थे। उनके नाम को मदन मोहन मालवीय अर्थात MMM, बहुत लोग उस समय उनके नाम की व्याख्या करते थे मनी मेकिंग मशीन। एक बार जब अवसर हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उस समय उन्हीं के जिम्मे लगा कि 1 करोड़ रुपया एकत्र करना है। अब उस समय अर्ली 20th सेंचुरी, 1920 के आसपास की बात है, 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। इकट्ठा करते हुए और उस समय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गया कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा चाहिए। अब हैदराबाद निजाम ने कहा कि तो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, मुझे क्यों देना है, वो मुस्लिम थे। उनका नहीं, ये शिक्षा का काम है, हर किसी को देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। वापस आने लगे तो जो राजमहल का दरबारी था, उस दरबारी को कहा कि ऐसा बताइए, इस नवाब की, जो बादशाह उस समय का निजाम जिसको कह रहे हैं, इनकी कोई व्यक्तिगत चीज नई पुरानी कोई फेंक रखी हो, कहीं टूटी फूटी पड़ी है क्या? मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूं, मुझे कोई चीज इनकी मिल जाए मैं अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूं। उनका साहब, और तो कुछ नहीं, निजाम की टूटी जूती पड़ी है, आप ये ले जा सकते हैं, हमारी तो बेकार है। तो उन्होंने उस जूती को उठाया और शाम को मनादी करा करके शहर में कहा कि निजाम की पुरानी जूती नीलाम के योग्य
है, ये नीलामी होगी, जो कोई लेना चाहे आके ले जाए, और इसका जो पैसा मिलेगा वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में काम आएगा। मनादी हो गई, निजाम को पता लगा। निजाम ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए मेरा तो काम विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करना है, जैसे भी हो जाए मेरा वही तरीका है, मैं तो और कुछ करना जानता नहीं, यही जानता हूं। कहा नहीं नहीं मुझे माफ करो, मैं पैसे ले जाओ, मेरी जूती वापस लाओ। ऐसे महात्मा मदन मोहन मालवीय बहुत काम किए उन्होंने। खैर उनका जन्म दिवस उनको हम स्मरण करते हैं। गुजरात तक आप उसमें जुड़ने चाहिए तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता है, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं, तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते। सीएम ने इस मौके पर कहा कि हम अच्छी जगह पहुंचे, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि काम ठीक हो रहे हैं, वातावरण बदला है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य जरूर सफल होगा। तो एक मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीजों को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस ये हम कर रहे हैं। अब कर तो हम रहे हैं, बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आज भी कुछ चीजें आगे की हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या, मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है, मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा, अब इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। उत्तर बताने के लिए एक छोटी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि दो नौजवान वो पैदल जा रहे थे,
किसी गांव में उनको पहुंचना था, कोई उनका गंतव्य स्थान था, रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। उस बुजुर्ग को पूछा, हमें अमुक गांव में जाना है, उस गांव में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अब बुजुर्ग चुप रहा, नौजवान सोच रहे थे कि उत्तर मिलेगा। कुछ मिनटों के बाद फिर से पूछा, कुछ क्षणों के बाद नौजवानों ने कि बाबा हमें उस गांव में जाना है, कितना समय मिलेगा? तो फिर भी चुप रहा। उन्होंने सोचा कि बाबा को ऊंचा सुनता होगा, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जोर से बोला कि बाबा उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी नहीं बोला, इशारे से कहा जाओ जाओ। लोगों ने समझा पागल पागल है, इसको कुछ जवाब नहीं देता, हां करे ना करे, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला, टाल दिया। और नौजवान चल पड़े तो कोई 100-150 कदम जाने के बाद ये बाबा उनको देख रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई कि जानो एक घंटा लगेगा। ये पूछे मुड़कर देख रहे हैं कि पहले जवाब नहीं दिया, अब हम इतनी दूर चले गए, अब हमें पीछे से बोल रहा कि एक घंटा लगेगा। इनके मन में उत्सुकता हुई, वापस मुड़के आ गए। बाबा बाबा, मैंने हमने आपसे 2-3 बार पूछा कि आप कितनी देर लगेगी, आपने उस समय तो कहा नहीं, और जब हम दूर जा चुके हैं आप कह रहे हो एक घंटा लगेगा। कि देखो बच्चों, जब तुमने पूछा था मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति क्या है, और जब चल के तुम 150 कदम जा चुके हो तो मुझे पता लग गया, मैं देख रहा तुम्हारी गति क्या है, तुम्हारी गति के हिसाब से टाइम तय होगा कि कितना समय लगेगा। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को खत्म करना है। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हो रहे हैं, ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस पर हम काम कर रहे हैं। सीएम ने इस मौके पर यह भी कहा कि जनता को समस्या आएगी, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का काम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचकेआरएन कर्मचारियों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही हैं, और साथ ही कबूतरबाजी पर लगाम लगाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचकेआरएन कर्मचारियों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसके माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आय इत्यादि सहित विभिन्न मानदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है, और ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड आदि का भी लाभ दिया जा रहा है। साथियों, वैसे तो मैं हर शनिवार किसी न किसी लाभार्थियों की श्रेणी से बात करता हूँ, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो केवल लाभार्थी नहीं बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन के साक्षी हैं, और एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चूँकि सरकारी नौकरी के साथ साथ जब भी कभी किसी विभाग को आउटसोर्सिंग के नाते जरूरत पड़ती थी तो कर्मचारियों को किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता था, और ये जो ठेकेदारी प्रथा थी इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ, साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000, और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का
इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45, तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान। और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए और ये झगड़े लगातार बने रहते थे। आखिर ये सारी चीज जब ध्यान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जिसमें सभी को सुविधा हुई, सरकार को भी लाभ हुआ और काम करने वाला व्यक्ति वो भी निश्चिंत होकर के काम करने लगा। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे, न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात एचकेआरएन में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी एचकेआरएन के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 108,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो एचकेआरएन पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सिफारिश से, ना किसी अधिकारी अफसर से बात कर रहे हैं, ना किसी नेता की सिफारिश से, बल्कि एक मेरिट के आधार पर उनकी परिवार की आय कितनी है, व्यक्ति की योग्यता कितनी है और व्यक्ति रहता कहाँ है, क्योंकि कम आय होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहाँ व्यक्ति की आवश्यकता है काम करने की उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नौकरी मिले, ताकि इतनी कम आय में अगर वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाता है तो उसके आने जाने की कठिनाई या वहाँ रहने की कठिनाई, इसको भी हमने ध्यान किया है। तो इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नौकरी दी जिनकी परिवार की आय 1,00,000 रुपया या इससे कम थी, दूसरे चरण में 1,00,000 रुपये से लेकर के 1,80,000 रुपये तक की जो आय के परिवार थे उनको नौकरी दी है। तो ऐसे जो सब एक योग्य प्रकार से इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और न केवल नौकरी दी बल्कि इसके बाद हमने जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी बहुत सुविधाएं दी हैं। 10 आकस्मिक अवकाश, ऐसे ही 10 मेडिकल अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, इसकी भी सुविधा हमने दी है। जैसे आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई उसमें ऐसे सब लोगों को, क्योंकि ये श्रेणी 1,80,000 से लेकर के 3,00,000 की आय के बीच में आते हैं, तो मात्र 1,500 रुपया उसका प्रीमियम देने के साथ ही उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1,500 रुपया एक साथ देने के बजाय मासिक 125 रुपया अपनी सैलरी में से कटा करके और इस सुविधा को इनको मुहैया कराया गया है, ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे सब परिवारों की ये जो आयुष्मान योजना 5,00,000 रुपये प्रति परिवार, इसका सुलभ एक व्यवस्था इनके लिए की जा सके। केवल इतना ही नहीं, तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें। बहुत शिकायतें आई हैं कि वहाँ गलत तरीके से युवा एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं और वो भी इल्लीगल तरीके से। डोंकी आदि का जो एक प्लेटफॉर्म बना कि डोंकी जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इजराइल,
दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 5,000 लोग ऐसा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अभी तो समय पर्याप्त बाकी है। इस समय में यदि लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका प्रशिक्षण करा करके और उनको विदेशों में भेजा जाएगा। 25 से 40 साल के युवा युवतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं और इन देशों में श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के जो काम हैं इसको जो है उनके अंदर भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इलीगल तरीका युवकों को विदेशों में भेजने का, चाहे कबूतरबाजी है, डोंकी है, अथवा गलत तरीके से विदेश भेजने के लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, वो रुकेगा। और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि विदेश जाने के लिए जो जो नौजवान हमारी जो पढ़ाई करके कॉलेज से अथवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उनको फ्री पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी मैंने की है। हजारों ऐसे बच्चे फ्री पासपोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुविधाएं ये दी जा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप एच के आर एन के माध्यम से अपना नाम सूची में लिखाना चाहें ताकि हमारे पास एक डाटा बैंक ये तैयार रहे कि आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके, तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है hkrnl.itihariana.gov.in इसको खोल करके इस पर अपना पंजीकरण करें ताकि आप भी एक जिसको कहना चाहिए पंक्ति में एक क्यू में लग जाएं कि आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको भी काम की ऑफर दी जा सके। हम आपको काम की ऑफर देते हैं, यदि आप स्वीकार करते हैं तभी आपको उसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी, इसमें भी आपको एक सुविधा जो है वो दी जाएगी। आप हम जानते हैं सब कि सरकारी नौकरियां उनकी एक सीमा है, क्योंकि हर वर्ष 20 से 25,000 नौकरियां ही मध्यम ऑन एवरेज ये निकल पाती हैं। अब ये ठीक है कि पिछले कई वर्षों में हम सरकारी नौकरियां शायद उतनी नहीं दे पाए, तो अभी आगामी इस 6 महीने के अंदर अंदर 60,000 नई नौकरियां ये हम देने जा रहे हैं। हमने पिछले अपने 9.5 साल के कार्यकाल में 1,00,000 से ऊपर सरकारी नौकरी ये दी है। फिर भी जिनकी बारी सरकारी नौकरी में नहीं आती है उनको एच के आर एन जैसा प्लेटफॉर्म यदि सुविधा इसकी मिलती है तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इस हमारे इस पोर्टल को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है। टेक इनबिल्ट ऑनलाइन सिस्टम इसमें हमने रखा है और इसमें SC BC का जो रिजर्वेशन है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय न हो, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस साल से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी मैन पावर की नियुक्ति के लिए युवाओं की पहचान की है। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेटाबेस में विभिन्न प्रकार की कौशल युक्त मैन पावर बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि सरकार कबूतरबाजी पर लगाम लगाकर अपने लेवल पर युवाओं को विदेश भेजने का काम करेगी।